पता नहीं हमारी आने वाली नस्लों का क्या बनेगा जिनके बुजुर्ग आज के टिकटॉकर हैं। अगर औरत किसी मर्द को मुफ्त में अपना जिस्म फराहम कर दे तो मर्द उसे मोहब्बत का नाम देता है, और अगर औरत उस जिस्म को पैसों से वसूल करे तो फाशा कहलाती है। तलख हकीकत, हमारे मुआशरे में लड़की मोहब्बत में नाकामी पर सबसे बड़ा बदला खुद से लेती है। वालदैन की मर्जी से शादी कर लेती है। मर्द भी अजीब मखलूक है, जो सामने आ जाए उससे लापरवाह हो जाते हैं, जो छुप जाए उससे इश्क लगा लेते हैं। पहले मुझे लगता था कि वफादार हैं आप, लेकिन फिर पता चला कि अदाकार हैं आप। यकीन कीजिए, कुछ लोगों को पहली मोहब्बत भी काफ बे रे तक लेकर जाती है। मोहब्बत के सफ़र में अगर इश्क की जेब पैसों और मोहब्बत का दिल और महबूब का दिल मोहब्बत से खाली हो जाए, दुनिया में किसी काम से इतना नहीं थकता जितना रवैयों और एहसास की शिद्दत से थक जाता है। औरत को तो जंग में भी मारने की इजाज़त नहीं, ए इब्ने आदम आप मोहब्बत में उसे मार देते हो। संभल कर रहें ऐसे लोगों से जो पहले रो रो कर आपके दर्द पूछेंगे, फिर हंस हंस कर उन लोगों को बताएंगे। औरत की फितरत है कि वो घर की खातिर बहुत सी कुर्बानियां देती है। कड़वी बातें और तलख रवैयों तक सह जाती है, मगर जब उसका हम सफ़र ही उनको नज़रअंदाज कर दे तो वो अंदर से टूट जाती है। औरत का हौसला उसका शरीक हयात ही होता है। जब मर्द ने औरत का जिस्म इस्तेमाल करना होता तो वो तीन काम करता है, और औरत बेवकूफ़ होती है, उसे पता ही नहीं होता। हमदर्दी दिखाता है, तारीफ करता है, वादे करता है, कभी किसी को मौका ना दें कि वो आपको बर्बाद कर सके। अगर कोई आपको फ़ोन नहीं करता तो आराम से सो जाएं। अगर कोई आपको मैसेज नहीं करता तो किसी का इंतज़ार ना करें, क्योंकि आप सबसे अहम हैं। और अपना ख्याल रखें, तवज्जो का पहला नंबर आपका है, बाद में किसी और का। तारीख गवाह है कि एक अरसा दराज से औरत मजलूम चली आ रही है। यूनान में, मिस्र में, इराक में, हिंद में, चीन में, गर्ज हर कौम में, हर खित्ता में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां औरतों पर जुल्म के पहाड़ ना टूटे हों। लोगों ऐसे अपने इश्क व इशरत की गर्ज से खरीदो फरोख करते, उनके साथ हैवानों से भी बुरा सलूक किया जाता था। हत्ता के अहले अरब औरतों के वजूद को मुअज्जब आर समझते थे और लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। हिंदुस्तान में शोहर की चिता पर उसकी बेवा को जलाया जाता था। वहियाना मजहब औरतों को गुनाह का सरचश्मा और मासूमियत का दरवाज़ा और बाप का मुजस्म समझते थे। उससे तलक रखना रूहानी तरक्की की राह में रुकावट समझते थे। दुनिया के ज़्यादातर तहजीबों में उनकी समाजी है। दोस्तों, आप वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।